हेलो हेलो। परम आदरणीय जनता जनार्दन, सम्मानित कमेटी, बुजुर्ग, हम उम्र साथी एवं इस पावन धाम, इस भूमि को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम राउंड लेकर के वंदना दौर, और हमारे हिंदू धर्म में कुछ परंपराएं हैं कि जब भी किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाता है, सबसे पहले भगवान गौरी के लाल गणेश का वंदन किया जाता है। चलते हैं बहुत सुंदर शब्दों में आप लोगों के बीच में, और जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, मैं चाहूंगा एक बार सभी अपनी जिभ्या को पवित्र करते हुए और दोनों सीधे हाथ उठा करके जयकारा जरूर लगाएंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए गणेश भगवान की जय हो। चलते हैं, और ये 11 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बार बार आशीर्वादी कामना। कुछ कहा जिनके माध्यम से हम गाना बजाना करते हैं, फिल्मी दुनिया वालों ने, और क्या कहा, इश्क़ और प्यार का रुपए का पुरस्कार हमारे भीकम रसिया जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करें। और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी बहन लक्ष्मी सिंसनवार, उनकी तरफ से कहा, क्या सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या ना, और नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ू दोनों हाथ। प्रथम गणेश मनाए के दूजे भोलेनाथ, दीजे अपने गुरु के मैं चरण लवाऊंगा, भे भंजन के भजे से और दूर हो सब भे, एक बार मिल बोलिए बालाजी महाराज की। कहा देवों के देवा, देवों के देवा प्रथम वंदना, करते हैं सेवा करें वंदना, करते हैं सेवा करें वंदना, करते हैं सेवा करें वंदना। देखिए देवों के देवा प्रथम वंदना, और करते हैं सेवा करें वंदना। अगर मेरी लाइन
आप लोगों के दिल तक पहुंचे और आपकी समझ में आए तो मेरे साथ बोलना जरूर। धुन तीन लोक में गूंज रही, धुन तीन लोक में गूंज रही, उस डम डम डमरू बोले की, धुन तीन लोक में गूंज रही, उस डम डम डमरू बोले की। और ये सभी कलाकारों का एवं हमारे रोहतास पंडित जी जो साउंड पर बैठे हुए हैं उनका भी सम्मान किया और ढोलक वाले भैया का और हमारा भी एक बार जोरदार ताली महाराज जी के लिए और हम चरणों में नमन करते हैं। धुन तीन लोक में गूंज रही, उस डम डम डमरू बोले की, सब कुछ सृष्टि को दे डाला थी करामात उस झोले की, करामात उस झोले की, करामात उस भोले की, सब कुछ सृष्टि को दे डाला थी करामात उस झोले की। और हर गांव में हर चौराहे पे एक व्यक्ति और मिलेंगे, कुछ अजब नसीहत, कुछ अजब नसीहत पाई गई, तुम देखो भंग के गोले की, तुम देखो भंग के गोले की, तुम देखो भंग के गोले की। ये कहते हैं साहब जी भोले बाबा को प्रसाद हुए, और ये सत्य सत्य महाराज जी। चलो जैसा, कुछ अजब नसीहत पाई गई, तुम देखो भंग के गोले की। और मेरे साथ बोलना अगर आपकी समझ में शब्द आए तो, तुम देखो भंग के गोले की, और एक बार सब मिल कर कह दो जय शिव शंकर भोले की, जय शिव शंकर भोले की, जय शिव शंकर भोले की। देवों के देवा, देवों के देवा, प्रथम वंदना करते हैं सेवा, करे वंदना, करते हैं सेवा, करे वंदना, करते हैं सेवा, करे वंदना। और कहा जो भी पुकारता है, जो भी पुकारता है, दौड़े चले आते हो, जो भी पुकारता है दौड़े चले आते हो, भक्ति का भाव भगवान हर पल निभाते हो, भक्ति का भाव भगवान हर पल निभाते हो, भक्ति का भाव भगवान हर पल निभाते हो। और ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से। जो भी पुकारता है दौड़े चले आते हो, भक्ति का भाव भगवान हर पल निभाते हो, भक्ति का भाव भगवान हर पल निभाते हो। तब कहा महाराज जी है कुछ नहीं हमारे पास, फल फूल मेवा, फल फूल मेवा प्रथम वंदना, फल फूल मेवा प्रथम वंदना, करते हैं सेवा, करे वंदना, करते हैं सेवा, करे वंदना, करते हैं सेवा, करे वंदना। और हे गजानन गणपति बुद्धि के दाता, और ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से। एक मैं ही ऐसा भक्त नहीं हूं जो आपको मना रहा हूं, इस संसार में ये जीवन एक अथा सागर है, और 51 रुपए हमारे चाचा जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। भक्त है करोड़ देवा, भक्त है करोड़ देवा, नहीं है वो एक दो,
लेकिन हमने क्या इच्छा रखी, भक्त हैं करोड़ देवा नहीं है वो एक दो, पर दो हमें वरदानी बुद्धि एक दो, पर दो हमें वरदानी बुद्धि भक्त हैं करोड़ देवा नहीं है वो एक दो, भक्त हैं करोड़ देवा नहीं है वो एक दो, बर दो हमें वरदानी बुद्धि विवेक दो, बर दो हमें वरदानी बुद्धि विवेक दो, क्योंकि संतों की सेवा फल फूल मेवा प्रथम वंदना करते हैं सेवा करे वंदना करते हैं सेवा करे वंदना करते हैं सेवा करे वंदना। ओम श्री गणेशाय, ओम श्री भगवान की जय हो। टाइम बता दे, टाइम देखिए, मेरा प्रथम शुरुआत मेरा नंबर आया है तो गणेश वंदना की और उसके बाद माँ शारदे का बंधन का जिकड़ी शुरू करें यहीं से। अब 15 मिनट है, हाँ तो जिकड़ी होगी ना, फिर ऐसे बताओ आधे घंटे का टाइम है कि 20? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सुंदर, ठीक है जी। अब यहां से आप श्री राधे। हाँ साहब, मेले में जितने भी सरदारी बैठी हुई है सभी के चरणों में हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार, सबके लिए राम राम। साहब देखिए, अपने दिमाग को लगाएंगे, वंदना दोन हो ही चुका भैया जी ने करी, अब सुनेंगे जिगड़ी। वैसे बता दिया है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और अमर सिंह भैया प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जय हो। प्रसंग, धर्मराज महाराज यज्ञ का घोड़ा छोड़ देते हैं, अर्जुन साथ में जा रहे हैं, घोड़ा चलते चलते मणिपुर नगरी में पहुंच गया। वहां अर्जुन का ही पुत्र बब्रुवाहन मिला, वो घोड़े को पकड़ लेता है, घोड़े को पकड़ लिया, गले में पत्र है, पत्र को लेकर के माता जी के पास में आ गया। मैया का नाम चित्रांगदा, माता ने जैसे ही उस पाती को पढ़ा है तो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा तूने तो ये बहुत बुरा कर दिया। कैसे समझा रही है सब भैया, कैसे समझा रही है भैया रंजी? अब ये पत्र देख के और बड़ी पछताती और कुमार से बोली, और ये अर्जुन तेरा और ये पारथ तेरा और पिता सो बात सब खोली। क्या बात है,
ग्यारह रुपए का आशीर्वाद चाचा श्री की तरफ से। भैया अरे हस्तिनापुर को धूप न देखो रूप जहर दया घोली और बाही के तेने अरे बाही के तेने करी बेटा जो यार बोली हो रुपए का आशीर्वाद हमारे चाचा श्री की तरफ से। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारी महाराज जी की तरफ से। आशीर्वाद चाहेंगे लेकिन बताया है क्या बताया भैया कितनों भेद छुपा ले बाबा ये 11 रुपए का आशीर्वाद कितनों भेद छुपा ले बाबा भेद एक दिन फूटेगा अरे कितनों भेद छुपा ले बाबा कितनों भेद छुपा ले बाबा कितनों भेद छुपा ले बाबा भेद एक दिन फूटेगा अरे कितनों भेद छुपा ले बंदे भेद एक दिन फूटेगा अरे भरो भरायो भरो भरायो भरो भरायो खड़ा पाप को चोराए पे फूटेगा भाई चोराए पे फूटेगा भरो भरायो खड़ा पाप को चोराए पे देख भैया अरे बातों मत विश्वास करो चाचा जी अरे बातों मत विश्वास करो जो बोले मीठी बानी अरे पाको मत विश्वास करो जो पाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी बानी पाको मत विश्वास करो जो पाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी बानी अरे दुख में संग और ये श्रीचंद गार्डन फोर्डर वाले 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं अरे पाको मत विश्वास करो जो पाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी बानी चाचा पाको मत विश्वास करो जो बोले मीठी बानी अरे दुख में साथ दुख में संग वही देगो जाके होया किन में पानी होया किन में भैया ने जवाब दिया कि बेटा मैंने यहां से पहले तुझे कभी नहीं बताया लेकिन बता रही हूं ये अर्जुन यानी तेरे पिता का घोड़ा है सुनिएगा चौक में क्या हो रहा है क्या हो रहा है भैया रणजीत और ये अर्जुन और ये अर्जुन पिता त्यौहार हो रे ये और बेटा तने और बेटा तने और बेटा तने बादर फारो रे बेटा तने बादर फारो बेटा तने बादर फारो रे ओ पाको घोड़ा जिया प्यारो अरे पाको घोड़ा जिया प्यारो और संग रहता और संग रहता और संग रहता वो बंसी मारो रे संग रहता बंसी मारो संग रहता बंसी मारो रे संग रहता बंसी मारो जवाब दिया कि बेटा तेरे पिताश्री के सार में बंसी वाले और रहते हैं इसलिए मैं कह रही हूं क्या कह रही हूं
सुनिएगा ढोला में क्या कह रही है भैया। अरे बाजे को ले जा और छैया रे और अपनी सो और माने को सलाते मैया ने कहा कि पिता पुत्र का युद्ध हो ये मैं नहीं चाहती, लेकिन झिकड़ी के अंदर एक उड़ान हुआ करती है साहब, सुनिएगा। भैया सुन मैया के बेन और कुमर का और दुखी भयो ही यो और बाज को लेके चल दियो। ओ घर के कहीं बेग जाए काढ़ा
उठाइए। अरे भूत बने का उठाइए, जा देना मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी उड़ जाइए, जा देना मन पंछी उड़ जाइए। अरे पास अर्जुन के आयो है, अरे हाथ जोड़ के चरणन में जान शीशे नवायो रे, तो हाँ जी 3 मिनट है हमारी बाकी। कहा हो किसी ने कहा, मेरे दिल की है आबाद के बिछड़ा यार मिलेगा, आज नहीं तो कल आए है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तुझे तेरा प्यार मिलेगा। लेकिन राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, और है पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। क्या बात है, देखिए ये 10 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से। राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, हे पृथ्वी जैसे गोल और कोई गोल नहीं है, अरे रिश्ते और नातों की कोई तोल नहीं है, अरे रिश्ते और नातों की कोई तोल नहीं है। हर चीज का मोल है दादाजी, लेकिन अगर मेरे शब्द आपको पसंद आए तो तालियां जरूर बजाना। रिश्ते और नातों का कोई तोल नहीं है, लेकिन इस माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, ओ, इस माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है, ओ, इस माँ के दूध का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। क्यों, एक बेचारा वक्त का मारा परदेश से गांव में आया, पापा बोले बेटा कुछ कमाया के नहीं, पत्नी बोली मेरे लिए कुछ लाया के नहीं, अरे भाई ने पूछा हिस्से में कुछ, भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं। लेकिन उस माँ का भाव देखिए, जिसने जन्म दिया वो एक कोने में खड़ी है और रो रही है कि मेरा बेटा बरसों के बाद आया है, लेकिन सबकी इच्छा क्या क्या है। जब भाई ने पूछा हिस्से में कुछ आया के नहीं, तो मैया बोली परदेश में खाना खाया के नहीं, अरे मैया बोली परदेश में खाना खाया के नहीं, ओ मैया बोली परदेश में खाना खाया के नहीं। पेदों में सबसे ऊंचा पाया है माँ का दर्जा, कोई बेटा चुका न पाया, बेटा चुका न पाया माँ के दूध का कर्जा, कोई बेटा चुका न पाया माँ के दूध का कर्जा। मसाब और ये 51 रुपए महाराज जी की तरफ से बार बार चरणों में नमन करते हुए। पेदों में सबसे ऊंचा पाया है माँ का दर्जा, कोई बेटा चुका न पाया माँ के दूध का कर्जा, तो फिर प्यार के मीठे बोल और कोई बोल नहीं है, अरे प्यार के मीठे बोल और कोई बोल नहीं है,
फिर बजा प्रेम का ढोल और कोई ढोल नहीं है। देखिए आप बड़े पावन तीर्थ स्थल पर बैठे हुए, बजा प्रेम का ढोल और कोई ढोल नहीं है, और जो है राम नाम में पोल और कोई पोल नहीं।